एक थ्योरी क्वेश्चन को पेपर में कैसे अटेम्प्ट करें, स्पेशली इन केमिस्ट्री पेपर में, वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल पेपर में हमारे पास क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन वेपर प्रेशर। तो उसकी एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन पेपर में कैसे होगी, सबसे पहले मेन हेडिंग देंगे इस तरह से, मैथमेटिकल फॉर्म्स जो कि उसके फैक्टर जिन पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड टेम्परेचर, उसके साथ जो रिलेशन है वो लिख लेंगे। उसके बाद उसकी डायग्राम जो बुक में गिवन है, फिर उसके जो फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे और उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है वो लिख लेंगे। और उसके बाद जस्ट नेम लिख लेंगे कि वेपर प्रेशर पर मेजर करने का कौन सा तरीका है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह से हो कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, उसमें हम सबसे पहले वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर उसके बाद एक एक फैक्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे जिस विद एग्जांपल, और साथ उसकी जो रिलेशन बनता है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, वो लिख लेंगे। सिमिलरली, अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से हो कि राइट अ नोट ऑन बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेफिनेशन होगी, प्रोसीजर हो गया, एग्जांपल होगी, तो उसके कंसेप्ट हो गया, और लास्ट में उसकी इक्वेशन। ये आप देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट की जो बन सकती है। इसी तरह राइट अ नोट ऑन विस्कासिटी, डिफिनीशन, मैथमेटिकल फॉर्म, एग्जाम्पल, फैक्टर्स। तो ये बताने का मेन मकसद ये है कि एक थ्योरी क्वेश्चन के आंसर में डेफिनीशन, मैथमेटिकल फॉर्म, एक्सप्लेनेशन, फैक्टर्स, एक कंप्लीट उसका आंसर प्रेजेंट करना ज़रूरी है। अगर यही आंसर है इसका आप एक दो या तीन पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे या एक दो हेडिंग्स देख लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स लेने के बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी करेंगे तो प्रेजेंटेशन ही एक एग्जामिनर देखता है एग्जाम में और उसी से डिसाइड करता है कि इस स्टूडेंट को कितने मार्क्स हमने देने हैं।